प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौट चुके हैं। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भूटान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। वहीं भूटान में पीएम मोदी का जमकर स्वागत हुआ। हालांकि मोदी की यात्रा अब तक उनकी विदेश यात्राओं में बेहद खास रही है। कई मौके आए जब करोड़ों भारतीयों के दिल बाग बाग हो गए। दरअसल पीएम मोदी जब भूटान पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को शाही महल में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट से निकले तो सड़क पर सैकड़ों लोग भारत और भूटान के झंडे लिए खड़े थे। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब पीएम मोदी के सामने एक और मोदी आ गए। दरअसल बैंक्वेट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी के पीएम बनने तक के सफर का मंचन किया गया। भूटानी कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने उनके जीवन पर नाटक का मंचन किया। अंत में पीएम मोदी की गेटअप में एक कलाकार मंच पर आया जो काफी हद तक उनकी तरह लग रहा था। पीएम मोदी ने खुद इसका वीडियो शेयर किया है। भूटान से रवाना होने से पहले मोदी ने कहा, धन्यवाद भूटान, ये यादगार दौरा रहा। इस शानदार देश के लोगों से मुझे जो मोहब्बत मिली है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिनमें मुझे हिस्सा लेने का गौरव प्राप्त हुआ। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भूटान का ये दूसरा दौरा और इस साल मई में दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहला दौरा था। थिम्पू में प्रवास के दौरान मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ शनिवार को व्यापक चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के कदमों पर भी चर्चा की। मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10 क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें आंतरिक, अनुसंधान, विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र शामिल हैं।